हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बिमानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा और नया कार्ड जो HDFC ने लॉन्च किया है, और वो है HDFC गोल्ड रिगालिया क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, पहले तो एक जस्ट इसका मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि अगर ये कार्ड आपको लेना है, नहीं लेना है, उसके लिए ये मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया हुआ है। अब अगर आपके पास HDFC रिगालिया है और उसकी फ़ीस आप हर साल भर रहे हो, वो लाइफ टाइम फ्री अगर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये कार्ड से रिगालिया से ये रिगालिया गोल्ड में अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोनों की फ़ीस सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड ऑलमोस्ट अगर आप 7.5 लाख रुपया साल का स्पेंड करते हैं तो 26,000 रुपये का बेनिफिट आपको मिलता है 7.5 लाख रुपये के स्पेंड पे। तो ये कैसे पॉसिबल है और ये कार्ड का क्या फीचर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब का सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कार्ड की जो एनुअल फ़ीस है वो है 2,500 रुपीज़ प्लस GST, और इसके अगेंस्ट आपको 2,500 रुपीज़ का आपको एक गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। तो इन ऑल आपका फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो खाली आपको GST भरना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट आपके जो जॉइनिंग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, सबसे पहले तो आपको विस्तारा का सिल्वर मेंबरशिप मिल जाएगा, और आपको मेक माय ट्रिप का ब्लैक मेंबरशिप मिल जाता है, MMT ब्लैक जिसको बोलते हैं। और ये दोनों जो है, ये अगर आप 1 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं इन 90 डेज, तो आपको ये दोनों वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। अब दोस्तों, ये कार्ड में बहुत अच्छे खासे माइलस्टोन बेनिफिट्स भी ये लोग ने दिए हुए हैं। अब इनका एक्चुअली 4 ब्रांड्स के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, जो है मार्क्स एंड स्पेंसर का, रिलायंस डिजिटल, नाइका और मिंत्रा। मैं ये चाहता था कि कोई एक ग्रोसरी वाले से भी अगर कर लेते तो अच्छा हो जाता था, जैसे बिग बास्केट हो गया वगैरह वगैरह। बट इसका जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह भी है, ये 4 से टाइड अप है। तो माइलस्टोन में आपको 1,500 रुपीज़ का आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है अगर आप 1.5 लाख रुपया स्पेंड करते हैं ईच क्वार्टर में। नेक्स्ट, अगर आप 5 लाख पे पहुंचते हैं तो आपको 5,000 का कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट वाउचर मिलता है, और उसके बाद अगर आप 7.5 लाख में पहुंचते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 का फ्लाइट का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो इन ऑल टोटल आप 7.5 लाख के स्पेंड पे आपको 1,500 × 4, अगर आप क्वार्टरली 1 लाख कर रहे तो 5,000 का फ्लाइट और 5,000 का एडिशनल, तो 6 + 10 ऑलमोस्ट 16,000 का तो इधर खाली माइलस्टोन बेनिफिट्स हो गया। इसके बाद हम रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑन द स्पेंड ऑफ 150 रुपीज़। बेसिक है, रिगालिया के भी ऐसा ही था। और अगर आप ये 4 जो इसके ब्रांड्स टाइड अप है, मार्क्स एंड स्पेंसर, मिंत्रा, नाइका और रिलायंस डिजिटल, इसमें से अगर आप ले रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है 5x का, मतलब 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा 150 के स्पेंड पे। ये मेरे हिसाब से डिसेंट रिवॉर्ड प्राइस है, रिवॉर्ड रेट है, और एज अ लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड आप गिनोगे तो ठीक है। HDFC का जिसको इन्फिनिया या डाइनर्स ब्लैक नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से, उसके बाद ये कार्ड टारगेट कर सकते हैं। अब हर एक पॉइंट का मैं एक वैल्यू लगाऊंगा 50 पैसे का। अगर आप स्मार्ट बाय से ट्रैवल बुक करते हैं या कोई भी चीज़ स्मार्ट बाय से लेते हैं तो 50 पैसे का आपका जनरल रिवॉर्ड रेट है। फिर आप अगर केस टू केस लेंगे तो थोड़ा कम भी हो सकता है, अगर आप स्पेसिफिक उनकी चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो 50 पैसा हम गिन सकते हैं एक पॉइंट का। अब एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, एक्चुअली दोस्तों एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में कैसा है, अभी HDFC ने रिगालिया में बहुत सारे मेजॉरिटी लाउंज निकाल दिए हुए हैं और सारे के सारे रिगालिया गोल्ड में एक्सेसिबल कर दिए, ताकि पब्लिक अपग्रेड करे रिगालिया गोल्ड में। तो
मेरे हिसाब से एयरपोर्ट लाउंज के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक में आपको 12 लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं और इंटरनेशनल में आपको 6 लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं साल के थ्रू प्रायोरिटी पास। तो ये था सारा उसका फीचर्स। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि आपको 26,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा 7.5 लाख के स्पेंड पे, वो कैसे मिलेगा आपको इसमें? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7.5 लाख के स्पेंड पे आपको 16,000 के तो गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको रिवॉर्ड स्पेंड्स बेसिक, अगर हम एक्सेलरेटेड भी नहीं गिनते, बेसिक रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको 20,000 पॉइंट एडिशनल मिल जाते हैं, जिसकी वैल्यू 50 पैसे के हिसाब से हम 10,000 गिन सकते हैं। तो इन ऑल 16+10 हो जाता है 26। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, स्टैंड अलोन क्रेडिट कार्ड को गिनिए इसको, आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से मिक्स मत करिए। एटलास हो गया या मैग्नस हो गया, ये सारे कार्ड से मिक्स मत करिए, वो कार्ड का एक अलग चीज़ है, वो कार्ड होने चाहिए। बट उसके साथ अगर आपको एक HDFC का कार्ड लेना ही है तो मेरे हिसाब से रिगालिया गोल्ड बहुत बेस्ट कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, फीचर्स बहुत अच्छे सारे उन्होंने दिए हुए हैं, प्लस उन्होंने अच्छा खासा माइलस्टोन बेनिफिट भी दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।